भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस व ब्रहालीन महंत चांदनाथ योगी के पंचम स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में भिवाड़ी की मोहन वाटिका काली खोली धाम भिवाड़ी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी रहे। सांसद बालकनाथ ने हवन पूजा पाठ कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए हुए लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान में हिस्सा लिया। इस दौरान रक्तदान कर रहे लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इस शिविर में लगभग 850 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर में अनेक अस्पताल व रक्तदान से संबंधित संस्थाएं मौजूद रही। वहां मौजूद संगठनों ने ब्रहालीन महंत चांदनाथ योगी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं भाजपा महिला मोर्चा संगठन के सदस्यों ने सांसद महंत बालकनाथ योगी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सांसद द्वारा रक्तदान करने वाले सभी लोगों को रक्तदान प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट किया। देखिए, हम परम श्रद्धेय पूज्य गुरु महाराज महंत श्री चांदनाथ जी की स्मृति दिवस के रूप में लगातार जब से उनका देवलोक गमन हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार हम अलवर जिले के अंदर स्मृति दिवस के रूप में आज के दिन उनका स्मृति दिवस दिन मनाते हैं। और आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिवस भी रहता है, तो इन दोनों ही कार्यक्रमों का हम पूरे ज़िले में हर अलग अलग स्थान पर हर बार हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम ये सुबह यज्ञ का कार्यक्रम रहता है, उसके बाद में जो भी पवित्र स्थान यहाँ का पूज्य स्थान है वहाँ पर भंडारे का भोग लगाया जाता है, उसके बाद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। तो पूरे ज़िले में रहता है, पिछली बार अलवर था, ऐसे अलग अलग स्थानों पर ये पाँचवा आज यहाँ पर कार्यक्रम हम बाबा मोहन राम की इस पावन तपोस्थली के पवित्र स्थान पर हमने आयोजित किया है। और आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिवस भी है और साथ ही साथ श्रद्धेय महंत श्री चांदनाथ जी का स्मृति दिवस भी है। तो दोनों के प्रति अपने पूज्य गुरु महाराज के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनके प्रति एक अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य लाभ और इसी प्रकार से उनका नेतृत्व भारतवर्ष पर चलता रहे, बना रहे और उनके साथ मिलकर भारतवासी अपने देश को आगे बढ़ाते रहें। तो उस भाव से सब लोगों का उत्साह आप सब देख ही रहेंगे कि अभी लगभग एक घंटा ही रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। अब 100 का आंकड़ा लगभग मैं सुनने में आ रहा है कि 100 से अधिक लोगों ने अभी तक रक्तदान कर चुके हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐतिहासिक रहता है और लोगों के इच्छा अनुसार ही, लोगों की भावनाओं के अनुसार ये कार्यक्रम भव्य और सुंदर बनता है। कितना यूनिट का टारगेट है और क्या ये पूरे जिले का पूरे जिले में लग रहा है? जिले में कई जगह आयोजन किए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, कई जगह पर आयोजन है। और जितना देखो टारगेट क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बाबा मोहन राम की कृपा है, जितना उनका आशीर्वाद है वो पर्याप्त है और जितना भी आशीर्वाद देंगे हम सब लोग उस आशीर्वाद से फलीभूत रहेंगे। थैंक यू सर। ब्रह्मलीन बाबा चांदनाथ जी के आज इस पर जन्म जो मनाया है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा और हमारे लोकप्रिय सांसद बाबा बालकनाथ जी और इनकी पूरी टीम, अलवर जिले की नहीं पूरे मठ की पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। बाबा मोहनराम के आशीर्वाद से ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन कैंप भी रहेगा और भंडारे का बहुत देसी घी का बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है बाबा का। और यही नहीं, हमारे सांसद हमेशा चाहे कोई भी काम हो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं। चाहे आप देख रहे होंगे कि जो भिवाड़ी का एक हार्ट था, यहाँ की कनेक्टिविटी नहीं थी पहले, उसकी कनेक्टिविटी बाबा के आशीर्वाद से ये रोड का काम जो किया है, मैं भी देख रहा था अभी कुछ दिन पहले MLA साहब आपके चैनल के माध्यम से कह रहे थे कि मैं गडकरी से जाके चिट्ठी लिखी, ये लिखी, ये चिट्ठियाँ तो आज से नहीं 2530 साल से लिखी जा रही है, पर बाबा के उसमें ऐतिहासिक काम हुआ है ये जी। ब्लड डोनेशन तो ऐतिहासिक रहेगा, पहले भी पिछले उस पर भी ऐतिहासिक रहा है और मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा आज लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। थैंक यू सर। हम BJP वाले आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। ना हम 20,000 के जूते पहनते, ना 40,000 की टी शर्ट पहनते, ना 5-star होटलों में जाकर के केक काटते, बल्कि आम जन तक पहुँच करके उनकी सेवार्थ कार्य करते हैं। उसी को देखते हुए आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, साथ में पूर्व सांसद महाराज चांदनाथ जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमने भिवाड़ी में ये ब्लड कैंप का आयोजन किया है और उम्मीद है कि हम इसमें अब की बार कम से कम 2000 यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो ब्लड कैंप लगते हैं
शायद लगने चाहिए। बिल्कुल लगने चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। ब्लड की हमेशा ज़रूरत रहती है, आकस्मिक पोजिशनों में जब भी रक्त की ज़रूरत होती है तो यही रक्त जीवन बचाने के लिए काम आता है। और बहुत अब हमारे हिंदुस्तान में बहुत जागरूकता आ गई है और ये मैं इसका समर्थन करता हूँ और ये कैंप लगातार लगने चाहिए। थैंक यू सर। वेलकम। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस है, हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज हम सभी महिला मोर्चा अलवर उत्तर की बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं और हर मंडल की मंडल अध्यक्ष हैं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरे विश्व में संदेश गया है कि सेवा भाव वाले प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे खुद हैं वैसे ही जनता में उतारना चाहते हैं, और ऐसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो सेवा भाव के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि हर विधानसभा वाइज आज अलवर उत्तर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और यहाँ बाबा बालकनाथ जी के सानिध्य में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, तो ऐसे ही सेवा भाव चलता रहेगा हमारा। थैंक यू। मोहन राम की तपोभूमि पर आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एवं हमारे पूर्व सांसद बाबा चांदनाथ जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आदरणीय हमारे MP साहब बाबा बालकनाथ जी के नेतृत्व में ब्लड आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारे सभी जिले के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, भाग लिया है। और रक्तदान महादान इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में या पूर्व में भयंकर से भयंकर बीमारियां, जिसमें हमारे ब्लड जो दाता जो ब्लड देते हैं इन ब्लड से बहुत मदद मिली, जिससे कि जिनको ब्लड मिलता है वो कहीं ना कहीं भगवान को याद करता है और आशीर्वाद देता है। तो इसलिए ब्लड दान सभी को करना चाहिए, और जो ब्लड दान कर रहे हैं उनमें सभी को धन्यवाद देता हूँ, एक पुण्य कार्य में अपना सहभागी निभा रहे हैं। और आदरणीय हमारे सांसद महोदय जिन्होंने हमारे भिवाड़ी जैसी जगह को बाबा मोहन की तपोभूमि को चुना, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भिवाड़ी मंडल की तरफ से कि उन्होंने भिवाड़ी बाबा मोहन राम के पावन धारा पर रखा। और हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मीडिया बंधु मेरे मीडिया भाइयों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने सब कवर कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।